वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजपूत समाज को दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन करना बहुत जरूरी हो गया है। पिछले सालों में फिल्मों के माध्यम से समाज को प्रताड़ित करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। वहीं कुछ जातियों ने राजपूत शासकों पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। जिन लोगों ने जिन जातियों का कोई वजूद नहीं था, उन्होंने भी मेहर आदि के मामलों में राजपूतों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। इसका सबसे बड़ा तोड़ हीरक जयंती समारोह होगा। इसमें जितने ज्यादा लोग आएंगे, उतना ही समाज को ज्यादा ताकत मिलेगी। समाज के खिलाफ बोलने वाले लोगों की जबान बंद होगी। फिल्में बनाने वाले भी समाज की ताकत के आगे झुक जाएंगे। जिन लोगों ने अपना सर उठा रखा है, वो निश्चित रूप से धराशाही होंगे। राजनीतिक दृष्टि से भी समाज को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। श्री क्षत्रिय युवक संघ की हीरक जयंती आगामी 22 दिसंबर 2021 बुधवार को जयपुर में समारोह पूर्वक मनाई जा रही है। इसी संदर्भ में समाज के सैनिक के रूप में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के श्री विनय प्रताप सिंह भोपर जी लगातार लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें इस बारे में अवगत करा रहे हैं। इन बैठकों और कार्यक्रमों में श्री विनय प्रताप सिंह भोपर के साथ श्री क्षत्रिय युवक संघ से श्री प्रेम सिंह जी बनवासा, श्री गजेंद्र सिंह जी भी शामिल हुए और श्री क्षत्रिय युवक संघ और तन सिंह जी के जीवन और विचारों से अवगत कराया। आजादी के बाद से लेकर अब तक राजपूत समाज पर जब भी संकट आया है, क्षत्रिय युवक संघ के झंडे तले राजपूतों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और उसी का ही परिणाम रहा कि सरकार को राजपूत समाज के हितों का भी ध्यान रखना पड़ा। ऐसे में 22 दिसंबर को आयोजित क्षत्रिय युवक संघ के कार्यक्रम में सब राजपूतों का भाग लेना बहुत जरूरी हो गया है। इसीलिए सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के श्री विनय प्रताप सिंह भोपर जी लगातार इन कार्यक्रमों के माध्यम से 22 दिसंबर को आयोजित क्षत्रिय युवक संघ के कार्यक्रम के बारे में अधिक से अधिक लोगों को अवगत करा रहे हैं। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3,00,000 से भी ज्यादा फॉलोवर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50,00,000 लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी यूट्यूब या फेसबुक पर ही देखा जा रहा है, तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।